भारत को मिला तेल का कूद भंडार, अब रूसी और अरबी तेल पर लगेगा बैन। अरब और रूस हो जाएंगे बर्बाद, कुदरत ने भारत को दिया ऐसा तोहफा, अब बदलेगी 140 करोड़ भारतीयों की किस्मत। अब भारत बनेगा ऑयल सेक्टर का किंग। जी हां दोस्तों, जिस चीज के लिए भारत लंबे अरसे से इंतजार कर रहा था, आखिरकार फाइनली भारत के हाथ वो खजाना लग ही गया। अब भारत को ना तो तेल रूस से खरीदना पड़ेगा और ना ही अरब देश से। ये भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में लंबी छलांग है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस समय आत्मनिर्भरता के लिए देश के अंदर वो सारे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि दूसरे देशों पर से डिपेंडेंसी को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्रूड ऑयल के सेक्टर में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार तेल और गैस की खोज हो रही है। और अब भारत के इस एक कदम से पूरा रूस और अरब देश रोड पर आ जाएंगे। कहने का मतलब है कि इनकी इकोनॉमी पूरी तरह से चरमरा जाएगी। ये इसलिए क्योंकि भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का अकेले 50% हिस्सा इन देशों से खरीदता है। और ये जो तेल का कूद भंडार मिला है, ये इतना है कि भारत को अब इंपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि कई तेल के कुएं मिले हैं। इससे आपको पता चल ही गया होगा कि भारत को ऑयल सेक्टर का बादशाह बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे खुशी की बात तो ये है कि तेल निकालने का काम भी शुरू हो चुका है। एक बात जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी, क्योंकि दरअसल ये जो तेल के कुएं मिले हैं, इनकी खोज 65 सालों से ही हो रही थी। ये काम भारत की दिग्गज ऑयल एंड गैस कंपनी ONGC कर रही थी और अपनी रिपोर्ट को कई बार इंडियन गवर्नमेंट को भी सौंपी, लेकिन भारत सरकार अभी तक इस पर नजरअंदाज करती आ रही थी। लेकिन कुछ सालों बाद उसी जगह पर ऑयल इंडिया ने भी तेल और गैस के कूद भंडार होने की जब पुष्टि की, और तेल के आसमान छूते दामों ने भी सरकार को मजबूर किया कि अब इस पर अमल करने की जरूरत है। फिर क्या था, भारत सरकार ने JSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ पर फिर से सर्वे करने की जिम्मेदारी सौंपी, और उसके बाद ताबड़तोड़ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर रिसर्च करनी शुरू की, और फाइनली JSI इस नतीजे पर पहुंची कि यहाँ पर एक भारी मात्रा में तेल और गैस के अकूत भंडार मौजूद है, जो भारत को तेल के मामले में आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आगे वीडियो में जानेंगे कि ये तेल का भंडार कहाँ मिला है और यहाँ पर कितना तेल मौजूद है, साथ साथ क्या इससे पेट्रोल डीजल के प्राइस पर फर्क पड़ने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये तेल भंडार राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है। आप लोग शायद पहले भी खबरें सुनी होंगी कि बीकानेर, नागौर और इसके आसपास के इलाके जो कि राजस्थान में पड़ते हैं, यहाँ पर ONGC के द्वारा सर्वे का काम चलाया जा रहा है, क्योंकि गैस और तेल की संभावनाएं काफी बड़े स्केल पर बताई जा रही है। और यहाँ पर कुछ सबूत मिलने के बाद यहाँ पर ONGC द्वारा ड्रिलिंग शुरू कर दी जाएगी और तेल और गैस के कुएं खोदे जाएंगे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि बीकानेर के इस इलाके में एक्चुअली ONGC के द्वारा तेल के कुओं की खुदाई शुरू कर दी गई है। तमाम हाईटेक यानी एडवांस तकनीक से लैस मशीनों को यहाँ पर ड्रिलिंग के काम में लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि राजस्थान में तेल गैस के नए भंडार बीकानेर से 10 किलोमीटर दूर नालबाड़ी और गांव सलासर के पास व्हाइट क्ले की पट्टी के नीचे मिले हैं। यहाँ पर करीब 2118 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्कैनर मशीन से सर्वे किया गया है और 2D और 3D सर्वे के बाद 3 स्थानों पर ड्रिल करने का डिसीजन लिया गया है। अब बताया जा रहा है कि जिन 3 जगहों को चिन्हित किया गया था ड्रिलिंग के लिए, वहां पर ड्रिलिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ONGC को 60 करोड़ रुपए की मोटी रकम दे रखी है, जिसमें ड्रिलिंग करके यहां पता लगाया जाएगा कि तेल और गैस की क्वालिटी क्या है और ये कितनी गहराई पर मौजूद है। और इस क्षेत्र में फॉसिल फ्यूल तलाशने के लिए जो सर्वे शुरू किए गए थे वो 2020 से ही कर दिए गए थे और अब जाकर यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। इस समय जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके हिसाब से बीकानेर
बीकानेर के इस इलाके में 25 मिलियन हैवी क्रूड ऑयल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर इस समय 3 कुओं की खुदाई शुरू कर दी गई है और जिस लेवल पर सर्वे चल रहा है उससे यही उम्मीद लगाई जा रही है कि यहां पर कई तेल के कुएं मिल सकते हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर 1522 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिल की जाएगी, उसके बाद क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के नमूने लिए जाएंगे जिनकी जांच की जाएगी। तो कहने का मतलब अंडमान निकोबार हो, नागालैंड हो, राजस्थान के इलाके हो और भारत के अंदर तमाम वो स्थान जहां पर तेल और गैस की संभावनाएं पाई जा रही हैं, उन सभी जगहों पर एक्सप्लोरेशन का काम और खुदाई वगैरह का काम इस समय युद्ध स्तर पर किया जा रहा है ताकि भारत इम्पोर्ट बिल को कम से कम कर पाए और 140 करोड़ भारतीयों को सस्ता तेल प्रोवाइड करवा सके और एक्चुअली भारत की जमीन हमारी जरूरत के हिसाब से क्रूड ऑयल प्रोवाइड करवा रही है। क्योंकि राजस्थान ही नहीं, भारत के अंडमान निकोबार बेसिन के अंदर तकरीबन 72 मिलियन मैट्रिक टन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के भंडार मौजूद हैं। इसकी भी पक्की पुष्टि हो चुकी है जो अगले 100 सालों तक हमारी कुल ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का 85% हिस्सा इम्पोर्ट करता है और साल 2022 और 23 में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने तकरीबन 150 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करके क्रूड ऑयल इम्पोर्ट की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की कितनी फॉरेन करेंसी खर्च हो रही है जो कहीं न कहीं भारत की इकोनॉमी पर भी असर डाल रही है। लेकिन अब ये डॉलर बचेगा जो भारत की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और अब हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, गवर्नमेंट पूरे मूड में है, फंड की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है और इस वजह से हमारे तेल और गैस की जो कंपनियां हैं वो भी इस काम को लगातार और काफी तेजी से कर रही हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।